तो रॉयल रंबल 2024 के 3 सुपरस्टार जो मैच रॉयल रंबल में 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक टिके रह सकते हैं। WWE में रॉयल रंबल 2024 का बिल्डअप जारी है। इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए अभी तक 2 रॉयल रंबल मैचों के अलावा 2 टाइटल मैच बुक किए गए हैं। इस इवेंट में रोमन रेंस को फाइटल 4वे मैच में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल डिफेंड करना है। इस ईयर मैच रॉयल रंबल मैच में कई बड़े सुपरस्टार हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 3 सुपरस्टार के बारे में बताने वाले हैं जो मैच रॉयल रंबल मैच में 1 घंटा से ज्यादा टाइम तक टिके रह सकते हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्टेड। नंबर 3, WWE ICC चैंपियन गंथर रॉयल रंबल 2024 में 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक टिके रह सकते हैं। ICC चैंपियन गंथर ने इस वीक रॉ में कमबैक के बाद खुद के मैच रॉयल रंबल मैच में शामिल होने का ऐलान किया था। गंथर प्रीवियस ईयर भी इस मैच में पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने इस मैच में सबसे ज्यादा टाइम बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया था। बता दें आपको, गंथर ने प्रीवियस ईयर रॉयल रंबल में पहले नंबर पर एंट्री करने के बाद 1 घंटे और 11 मिनट टाइम बिताया था रॉ में। यही कारण है कि इस बात की अजम्पशन है कि इन प्रीमियम लीडर रॉयल नंबर 2024 में 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक टिके रह सकते हैं। भले ही गंथर ने प्रीवियस ईयर रॉयल नंबर मैच में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन वह रॉ का मैच जीत नहीं पाए थे। तो आपको क्या लगता है, गंथर 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक टिके रह सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। और नंबर 2 जो सुपरस्टार है वो है ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर को काफी टाइम से बड़े सिंगल मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि वो अभी भी WWE के सबसे खतरनाक सुपरस्टार्स में से एक है। ड्रू मैकइंटायर रॉयल रंबल के विनर रह चुके हैं और प्रीवियस ईयर भी उनके इस मैच में गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बता दें आपको, स्कॉटिश फॉरियर ने प्रीवियस ईयर मैच रॉयल रंबल मैच में 39 मिनट टाइम बिताया था। देखा जाए तो अभी के टाइम में ड्रू मैकइंटायर को प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में बेहतरीन बुकिंग दी जा रही है। यही कारण है कि पॉसिबिलिटी है कि ड्रू मैकइंटायर इस ईयर मैच रॉयल रंबल मैच में 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक बिता सकते हैं और ऐसा करने से फैंस काफी शॉक हो जाएंगे। 1 घंटे टाइम बिताएंगे ड्रू मैकइंटायर तो। नंबर 1 में हम सबके फेवरेट सुपरस्टार आते हैं कॉडी रॉड्स। कॉडी रॉड्स ने मैच रॉयल नंबर 2023 मैच में 30वें नंबर पर एंट्री करने के बाद उस मैच को जीत लिया था। कॉडी इस ईयर भी रॉयल नंबर मैच में पार्टिसिपेट लेने जा रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि कॉडी रॉड्स इस ईयर मैच रॉयल नंबर में लास्ट स्पॉट पर एंट्री करने के बजाय स्टार्टिंग में ही इस मैच में शामिल हो सकते हैं। इस पोजीशन में अमेरिकन नाइटमेयर मैच रॉयल नंबर मैच में 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक टिक सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह देखना मजेदार होगा कि कोई सुपरस्टार उन्हें यह मैच जीतने से रोक पाएंगे या नहीं। अगर वो ये मैच जीत गए तो वो लगातार दूसरी बार रॉयल रंबल विनर बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, इन तीनों सुपरस्टार्स में से कौन से सुपरस्टार 1 घंटा से ज्यादा टाइम तक टिके रह सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।